नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए, इसमें देखेंगे दैनिक रोजगार समाचार महत्वपूर्ण सूचना 27 मई का। इसमें लोकसेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, ठीक है, नोटिस है। और इसके बाद हम देखेंगे यूपी त्रिपुरसी लोअर टू लोअर एग्जाम 2019 का परिणाम, जो सूचना है उसके मंडी पर से रिजल्ट, वीडियो एग्जाम, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिगार्डिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे सारी अपडेट गवर्नमेंट वैकेंसियों की आपको सभी मिलते रहें। दोस्तों, रिसेंटली एक सुपर सस्ते एग्जाम न्यूज से एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है, जिसमें डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स एक बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। मैंने खुद इस चैनल का रिव्यू किया है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ आपको मैप के माध्यम से समझाया जाता है, जो भी उसके रेलिवेंट होता है। दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स के लिए इसलिए आपको एक प्रमोशन कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर हमारे चैनल पे नहीं प्रोवाइड किया, या तो वो आपको 15 दिन का होता है या तो 1 महीने का होता है। इसलिए ये चैनल मेरे रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मिनट आप टाइम देके इस पर विजिट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सूचना है कल शाम की, ठीक है। आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि, ठीक है, कुल मिला के इनका परीक्षा 2017 हेतु औपबंधिक रूप से उत्तर प्रदेश सचिवालय हेतु सफल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों से कार्यक्रम 1 जून से 6 जून तक निर्धारित किए गए। उक्त कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं नीचे भी दे रहा हूँ, ठीक है। अभ्यर्थीगण सत्यापन कार्यक्रम अनुसार नियत तिथि एवं समय पर ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचना सुनिश्चित करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पूरा प्लेसेस है, और नीचे ये पूरा पद का देखिए, आप यहां से देख सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है किस अनुक्रमांक के लोग किस वो में जाए। देखिए, कल जैसे ही सूचना आई थी मैंने ग्रुप में सारे लोग को प्रोवाइड कर दिया था, जो पीसीएस का ग्रुप है, ठीक है, ऑलरेडी। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे रोल नंबर वाइज दे रखे हैं, जो लोग नहीं प्राप्त कर सकें ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। पूरा रोल नंबर वाइज पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ नोट दिए गए कि यदि कोई अभ्यर्थी या परिहार परिस्थितियों में उक्त तिथियों में उपस्थित नहीं होता तो उसका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। कई सारे का इसमें चयन हुआ जो दूर दराज के, जहां से बस सेवा वगैरह ये सब सारी चीजें नहीं चल रही हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई, उसे अभिलेख सत्यापन का अन्य अवसर प्रदान किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है, उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी का निर्धारित तिथि और समय पर मास्क पहनकर ही आयोग में उपस्थित हों, एवं अपने साथ वांछित मूल एवं छाया प्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कोई भी सामान यथा बैग, ब्रीफकेस इत्यादि न लाए। अभ्यर्थियों से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अपेक्षित है, तथा आपस में मिलना जुलना नजदीक नहीं बैठना है। आयोग के गेट नंबर 2 पर पहुंचे पर अभ्यर्थियों को हैंडवाश एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। और सारी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बस इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो लिया जाएगा वो सारी डिटेल्स में पूरा दे रखी है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, चलिए अब अपनी अगले इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, यूपी त्रिपुरसी लोअर टू और लोअर एग्जाम जो 2019 में हुआ, इसका जो रिजल्ट है 15 से 20 जून के बीच में आपके आने वाला है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इसके पहले आ जाए, लेकिन इनके बीच आने वाला है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मिली है क्योंकि जो चेयरमैन साहब थे वो काफ़ी समय से बाहर चल रहे थे, अभी इनकी उपस्थिति हुई तो इस पर विचार किया गया, रिजल्ट आपका पूरा तैयार हो। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये सारी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई बार इनका कैलेंडर जारी हो चुका है, कई बार कैलेंडर में इनके बदलाव हुआ है, इसलिए मैं 100% श्योर होकर नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने ट्यूबवेल ऑपरेटर अभ्यर्थी के लिए पूरी मेहनत की और फाइनली हम उनकी ज्वाइनिंग कराने में सफल हुए और उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही, इसी तरीके से अगर 15 से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट नहीं आता तो हम एक ट्विटर अभियान चलाएंगे, जितनी भी कोशिश हो सके हम अपने चैनल के थ्रू आप सभी को सपोर्ट करेंगे। इसलिए यूपी त्रिपुरसी से जुड़े, चाहे वो लोअर टू लोअर एग्जाम, वीडियो डीबी, इन सारे के जितने भी लोग हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, एक स्पेशल ग्रुप मैं इनका बना दूंगा। दूसरा, मंडी परिषद रिजल्ट को लेकर कई लोग इंफॉर्मेशन लगातार क्वेश्चन पूछते रहे, तो एक चीज मैं बता दूं, मंडी परिषद के रिजल्ट को लेकर कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही यूपी त्रिपुरसी इस पे विचार कर रहा। अब ये रीजन इसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता। वीडियो एग्जाम डीवी की सूचना ये है कि अभी तक विभाग का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ कई सारे एग्जाम में जैसे कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया चला रहे हैं, चाहे वो मेल के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वो पोस्ट के थ्रू हो, ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आपके मंगा रहे हैं, तो इस तरीके से इस पर विचार करने का प्लान बन रहा है। अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं है, जो भी होगा 15 से 20 जून के बीच में आपका पूरा वो किया जाएगा और वीडियो डीवी एग्जाम की सूचना जो है होप शो कि शायद जल्दी आपको मिल जाए, ठीक है।
अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है कि उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप सभी ने मेल के थ्रू जो 4 जून तक का आपको टाइम दिया गया है आपने सारी वो चीज़ें पोस्ट कर ली होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि जैसे कि मैंने आप सभी को अलाउ किया था कि आप सब हमारे ग्रुप में पोस्ट करके अपनी PDF चेकआउट करवा सकते हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि ये पांडे जी के खुद के व्हाट्सअप नंबर पर भेज कर उनसे चेक करवाने की बात कर रहे थे भाई। और कुछ लोग ऐसा है जो मेल पर भेजने के सिवाय जो nalkoop.idup का मेल है ऑफिशियली उन पे ना भेजने के सिवाय पांडे जी के व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर रहे हैं। देखिए कई इन्फॉर्मेशन ऐसी मुझे मिली, प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ मत करिए क्योंकि मैंने खुद ही अलाउ कर लिया है कि अब लगभग अभी तक 1500 से ज़्यादा मेल मुझे खुद मिले हैं, ठीक है, जिनको मैंने वेरीफाई किया है और फिर उनको अलाउ किया कि आप अभी अपने मेल को भेज सकते हैं। तो ऐसा काम कुछ मत करिए आप लोग जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि अधिकारीगण है, अगर आपकी चीज़ों से परेशान होंगे तो परिणाम आप सबको भुगतना पड़ सकता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि कई लोग दो दो तीन तीन PDF बार बार ये भेज रहे हैं अगर उनके सेंट बॉक्स में जा रहा है तब भी। देखिए मैंने बता दिया था कैसे पता चलेगा आपको प्रीवियस वीडियो में कि आपका मेल चला गया सेंट बॉक्स में शो करता है, उसके बाद भी कई लोग दो दो बार अपनी PDF सेंड आउट कर रहे हैं और कुछ लोग 15 से 20 MB तक की PDF भेज रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, मैं कई लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो कृपया ऐसा काम मत करिए। तीसरी इन्फॉर्मेशन सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आपके कई सारे क्वेरी हैं जैसे आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, क्या ट्रेनिंग के समय वेतन मिलेगा कि नहीं, गर्ल्स को ऑफिशियल जो काम है वो मिल पाएगा कि नहीं, ऐसी कई सारी सूचना है, कितना पेमेंट मिलेगा आपको, फर्स्ट सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी सूचना है। उसमें कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैंने उस चीज़ को पांडे जी को मैसेज किया है, पूरा मुझे रिप्लाई मिलते ही कल ये जो डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी उसमें सारी A to Z इन्फॉर्मेशन है। अगर आपकी अभी भी क्वेरी है जो आपको अपने एग्ज़ाम मतलब DV के मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उसके बाद की कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, वो भी क्वेरी उसमें अटेंड कर दी जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हम हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, हमारा टीम पूरी सपोर्टिव रहे आपके किसी भी एग्जाम को क्लियर करवाने, रिजल्ट सूचना सब कुछ देने में, साथ ही साथ फ्री आपका क्रैश कोर्स कराने में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।